कि आईआईटी का आज रिजल्ट जो है वो घोषित हुआ है और जो कोटा हाड़ोती है उसने अपना नाम रोशन किया है। बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में टॉप करने के बाद में जो जश्न कोटा में मनाया जा रहा है वो अपने आप में तारीफ काबिल है। सर, सबसे पहले तो बधाई हो, आपको इतिहास रच दिया है, क्या कहेंगे भाई? सबको बधाई हो, कोटा को बधाई हो, और इतिहास भी एलन ने खुद ने पहले भी इतिहास रचा था, और एलन खुद के ही रिकॉर्ड बनाता है, खुद के रिकॉर्ड तोड़ता है, और इस बार तो एलन का रिजल्ट हो गया, हिस्ट्री क्रिएट कर दी। पहले एलन के रिकॉर्ड इस बार कितने बच्चों ने टॉप किया? इस बार टॉपर तो एक ही होता है, टॉपर मेरे साथ है वेद लाहोटी। दो कारण से एलन का गजब का रिकॉर्ड हुआ है। 2014 में 10 साल पहले, एक डिकेड पहले, कोटा से 3 इन टॉप 10 थे, 1, 3 एंड 8। इस बार कोटा से 4 इन टॉप 10 है। अभी हम आगे तो देख ही नहीं रहे, टॉप 10 में 4 है, 1, 4, 6, 7। ये मेरे पास जो फर्स्ट रैंक है, फोर्थ रैंक है और सिक्स रैंक है, उनका भी चल रहा है इंटरव्यू। इसमें हमारा जो फर्स्ट रैंक पे वेद लाहोटी टॉपर, इसके एलन पे 7 साल की जर्नी है, और इसमें बहुत पहले प्रूफ हो गया था जिस तरह बच्चा चल रहा था, जहां तक केवल एक ही नाम पुकारा था, वेद लाहोटी। इसने इस बार जेई एडवांस का ऐसा स्कोर प्रोड्यूस किया है जैसा लगता है सीबीएसई बोर्ड का स्कोर हो, 355 आउट ऑफ 360। वेद लाहोटी से हम बात कर लेते हैं, पहले तो आपको भी बधाई हो। किसको सबसे पहले ये पूछते हैं कि किसको इसका श्रेय जाता है? इसका श्रेय मेरे पेरेंट्स को जाता है और एलन के टीचर्स को जाता है। क्या कहेंगे, कितना स्कोर आपने हासिल किया इस बार, क्या आगे का सेट? मैंने 360 में से 355 स्कोर हासिल किया, और अभी अभी तक के प्लान के हिसाब से मेरा आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेने का। कोटा जो राजस्थान का हाड़ोती है, कहाँ से आप आए हैं, किस प्रकार आपने तैयारी की, किस प्रकार का मार्गदर्शन यहाँ? मैं इंदौर से आया था, यहाँ पर जैसा भी मतलब यहाँ की फैकल्टीज ने मुझे बताया वैसा मैंने किया, मतलब उन्होंने काफ़ी हेल्प की, काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर से, उन्होंने जो भी मुझे कहा मैं वही करता गया और आज यहाँ पहुँचा। कितने घंटे स्टडी किया? मैं लगभग 10 से 12 घंटे रोज स्टडी करता हूँ। कैसा लग रहा है जब आज इतिहास में बूंदी राजस्थान के इतिहास में आपका नाम? बहुत अच्छा लग रहा है, और मतलब मेरे अलावा मेरे पेरेंट्स और टीचर्स भी काफ़ी खुश है, वो भी काफ़ी प्राउड है। फोर्थ टॉपर भी हमारे साथ, उनसे हम बात कर लेते हैं, आपका क्या कहना है, किस प्रकार का है उसके बारे? जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बस एग्जाम जो भी था अपना बेस्ट देने का ट्राई किया, और रिजल्ट से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। मेरे पेरेंट्स का भी सपना था कि मेरी एक अच्छी रैंक आए, और जो भी मेरे टीचर्स हैं तो उनकी भी, उनका भी सपना पूरा करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। सबसे बड़ी बात ये देखने में आती है कि कई बच्चे यहाँ आते हैं, मायूस होते हैं, खुश नहीं होते रिजल्ट के, उसको उनको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मायूस मत होइए, अगर आपका एक चीज़ में नहीं होता है तो अगर कोई भी द्वार बंद होता है तो आपके लिए बहुत सारे द्वार और खुलते हैं, तो भगवान ने आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोच के रखा होगा। फोर्थ रैंक आपकी आई है, कितने मार्क्स आपने लिए हैं, कहाँ से है, क्या नाम है आपका, क्या कहना? मेरे 337 मार्क्स आए आउट ऑफ 360। मेरा नाम रिदम केडिया है, मैं रायपुर का रहने वाला हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। कैसा लगा जब यह हाड़ोती में आपने एजुकेशन प्राप्त की है? मैं कोटा 11th में आया था, क्योंकि कोटा एजुकेशन सिटी नाम से फेमस भी है, यहाँ पे हर तरफ हेल्दी कंपटीशन का माहौल है, सारे बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छे एटमोसफेयर यहाँ का बहुत अच्छा था। देखिए, कुल मिला के कहा जा सकता है जो पीछे रहे उन्हें भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है, और जो आगे हैं उन्हें कोटा पसंद इस वजह से आता है क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ और भी जिन्होंने, आपने भी वरीयता हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे जेईई एडवांस में भी 24 ऑल इंडिया रैंक हासिल करना, क्योंकि मेरे पेरेंट्स और टीचर्स बहुत प्राउड है, तो इससे मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे, किसको श्रेय देंगे इसका? मैं इसका श्रेय एलन की पूरी टीम, फैकल्टीज, नॉन टीचिंग स्टाफ, मेंटर्स और कोऑर्डिनेटर्स, और मेरे पेरेंट्स को ऑब्वियसली देना चाहिए। कितने मार्क्स दिए, क्या वो पूरा हुआ है आपका? जी, जो भी मैंने 2 साल पहले सपना देखा था वो मैंने ऑब्वियसली अचीव किया है, और अभी मेरे 333 नंबर है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये मार्क्स और ये रैंक हासिल करके। कोटा जो है अपने आप में एजुकेशन के हब के नाम से जाना जाता है, और भी सिटियां हैं, कोटा ही क्यों चुना आपने, कहाँ से आप आते हैं? जी, मैं उड़ीसा से आता हूँ, पर एक ओलंपियाड की तैयारी के लिए मैं कोटा 10th क्लास में आया था, यहाँ मैं एलन के सिस्टम से जुड़ा, यहाँ के टीचर्स और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर फैकल्टी से इंटरेक्ट किया, मुझे ये जगह बहुत सही लगी, और इसलिए मैंने 10th के बाद इसी जगह को अपनी स्टडीज के लिए चूज किया। कई बच्चे जो है वो अपना मनोबल तोड़ लेते हैं और कहीं और अगले कदम उठा लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स ये डिसाइड नहीं कर सकते,
कि आप बड़े होके क्या बनने वाले हैं या आप जो स्ट्रीम लेंगे कॉलेज में उसमें आप कैसा करने वाले हैं। तो मैं मानता हूँ कि अगर आपका डिसेंट स्कोर आ रहा है तो आपको उसके बाद टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और मान लीजिए आपका नाम ही हो कोई एग्जाम क्रैक, तो आपको ये याद में रखना है कि जो मोर सक्सेसफुल आपको कैसा, आप फाइनली आपको जानना चाहेंगे माता पिता के आपके साथ है कैसा महसूस कर रहे हैं? जी वो भी बहुत प्राउड महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनका भी इस चीज में पूरा सहयोग था। नाम क्या? राजदीप मिश्रा। ठीक है मिश्रा जी जो है सिक्स रैंक उन्होंने लिए है, उनके माता पिता भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बधाई हो, बेटे ने जो सोचा था वो कर दिखाया, क्या कहेंगे? बहुत प्राउड फील हो रहा है, इस तरह का बच्चा हर माँ बाप को मिले। बचपन से ही काफी मेरा भी रहा है राजदीप में, और तुझा सर को उम्र में इंडिया का रिप्रेजेंट करके इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल लेके आया। नेक्स्ट ईयर भी दोबारा वो उसी इंटरनेशनल ओलंपियाड में गोल्ड मेडल लेके आया, और लास्ट ईयर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रो फिजिक्स में वो गोल्ड मेडल लेके आया, और इस बार इंडियन फिजिक्स ओलंपियाड में वो OCSE जो मुंबई होता है वहाँ तक वो गए है। तो बचपन से वो कभी मल्टी स्कॉलर रहा है, जेई मेंस में उसे रैंक 95 बन रहा है, CBSE में वो 99। कैसा लग रहा है आज सिक्स रैंक हासिल किया है? बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि ये वन ऑफ द इंडिया का होता है, माँ का सपना होता है, माँ भी उनकी यही है, मिश्रा जी की माँ है, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी महसूस हो रही है, जो सपना लेके हम आए थे कोटा वो सपना सब। आप लोग भी साथ ही रहते थे? अच्छा, देखिए सबसे बड़ी बात ये है ना कि अपने माँ बाप की छत्रछाया आशीर्वाद में अगर बेटा रहता है और अनुशासन में अगर सिखाया जाता है तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। देखिए किस प्रकार यहाँ पर जश्न का माहौल हो रहा है, एक बार और माहेश्वरी जी से हम बात करेंगे, उनका क्या कहना है? माहेश्वरी जी आपसे बात करेंगे कि देखिए कुल मिला के जो जश्न तो अपने आप में यहाँ पर देखते ही बन रहा है, और यह अपने आप में खुशी का पल भी। कोटा और हाड़ौती की धरती, जो देश भर से यहाँ पे युवा तैयारी के लिए आते हैं और अपना सपना साकार करते हैं।